ब्रेकिंग न्यूज, आज यूथ कांग्रेस बसारी ब्लॉक संगठन की बैठक गंज में संपन्न हुई। आज गंज में यूथ कांग्रेस बसारी ब्लॉक की मंडल में सेक्टर की मीटिंग रखी गई, जिसमें संगठन की बात रखी एवं संगठन को मजबूत करने और घर घर तक कांग्रेस की योजनाओं का लाभ पहुंचाने कार्य करेंगे। यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा ने बताया, आज मंडल में सेक्टर की बैठक रखी थी, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव में संगठन को मजबूत कर सके और कांग्रेस पार्टी की सरकार बना सके। प्रत्येक गांव में एक बूथ पर 5 यूथ तैयार कर भाजपा जैसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और संदीप तिवारी कुटिया जिला संयुक्त सचिव कांग्रेस सेवा दल, बद्री प्रसाद शर्मा सटई ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल जी द्वारा कांग्रेस को मजबूत बूथ स्तर तक मजबूत करने और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, माननीय कमलनाथ जी नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा और भ्रष्ट भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का हम सभी लोग कार्य करेंगे, गलत नीतियों का विरोध करेंगे, जिसमें शामिल रहे यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा, कांग्रेस सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष बद्री शर्मा, जिला सचिव संदीप तिवारी, कृष्ण प्रताप बुंदेला, रवि कुशवाहा, दिनेश रैकवार, जितेंद्र खटीक, राजेंद्र सेन, महेंद्र पटेल, अमित साहू, देवीदी नहिरवार, राकेश बंसल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। रवि गुप्ता, बुंदेली न्यूज। 6 वर्षों से यात्रा निकल रही है, 7वीं यात्रा है। ये गंज कुटी हनुमान आश्रम से प्रारंभ होती है, यहाँ पर जटाशंकर धाम पहुँचेगी। इस यात्रा का उद्देश्य है कि क्षेत्र में समृद्धि खुशहाली हो और किसान भाइयों के लिए ईश्वर से यही भोलेनाथ से कामना करते हैं किसान भाई खुशहाल रहें, ताकि किसान अगर खुशहाल रहेगा तो निश्चित रूप से व्यापार अच्छा चलेगा और पूरे देश और पूरे राष्ट्र में इसका मैसेज जाएगा और सभी लोग सम्पन्न रहेंगे। क्षेत्र की खुशहाली, अच्छी बारिश की कामना को लेकर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंज कुटी से जटाशंकर धाम के लिए विशाल पदयात्रा निकाली जाती है, जो कि लगातार 7 वर्षों से चली आ रही है, पुनः एक बार फिर निकाली, जिसमें क्षेत्र के तमाम क्षेत्रवासी एवं भक्तगण शामिल हुए, जिसमें बड़े भाई भैया राजू सोनी जी का पूर्ण रूप से सहयोग रहता है, जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी समाज के भी और साथीगण शामिल होते हैं। जय श्री राम। सब पर भोले बाबा की कृपा सदैव बनी रहे।